हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों की आरबीएसई की क्लास थर्ड के ईवीएस के 15वें पाठ मेरा घर और उनका घर, इस पाठ के एक्सप्लेनेशन पर एक वीडियो लेकर आया हूं। बच्चों, इससे पहले हमने ईवीएस के 14 पार्टों पर वीडियो बना दिए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो बच्चों, सबसे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब हम बच्चों स्टार्ट करते हैं पाठ 15वां, मेरा घर और उनका घर। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सबसे पहले आप बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ये आपके पास सारे जो वीडियो हैं उनका लिंक आ जाए। और बच्चों, अगर आप चाहो तो आप इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सीता पलंग पर लेटी थी। इस पाठ में पता चलेगा कि जानवरों के भी घर होते हैं और उनके घर कैसे होते हैं, इससे हमें पता चलेगा। सीता पलंग पर लेटी थी कि अचानक उसकी नजर बल्ब के पास घूम रही छिपकली पर पड़ी। सीता सोचने लगी, अरे हमारे घर में हमारे अलावा और भी जीव जंतु रहते हैं। उसने सोचा कि छिपकली हमारे घर में क्या कर रही है। तभी उसे अपने कान के पास मच्छर की भिन-भिनाहट सुनाई दी। सीता ने फिर नजर घुमाई तो देखा एक चिड़िया छत पर लगी कुंडी पर आराम से सो रही है। वह सोचने लगी कि यह चिड़िया दिन भर कहाँ रहती होगी, क्या जीव जंतुओं के भी हमारी तरह घर होते हैं, आओ जाने। तो देखो बच्चों, जैसे यहां दिखाया है कि ये गाय हैं, गाय की अपनी घर है, कुत्ते का अपना घर है, शेर का अपना घर है, ये कोई छोटे छोटे जानवरों के बिल हैं, घोड़े का अपना घर है, मुर्गी का अपना घर है। तो ये इनके अलग अलग सबके घर होते हैं, जीव जंतुओं का उनके आवास से मिलान। तो देखो बच्चों, सबसे पहले एक तरफ जीव जंतु दिए हैं और दूसरी तरफ उनका आवास दिया है। अब बच्चों, ये है चिड़िया, तो आपको पता है ना चिड़िया का क्या होता है, ये बया चिड़िया है और ये है बया का घोंसला। तो बच्चों, अब हमें क्या करना है, हमें इस बया चिड़िया उसके घोंसले का आपस में मिलान करना है। फिर ये है बच्चों मकड़ी, और यहाँ आपको देखना है कि यहाँ पे मकड़ी का जाला कहाँ पर है। ये रहा मकड़ी का जाला, तो मकड़ी का मकड़ी के जाले से मिलान करना है। मछली, मछली का ये है, मछली नदी में रहती है तो ये उसका हो गया नदी। और ये है बच्चों चूहा, तो चूहे का होता है बच्चों बिल, चूहे का क्या होता है, ये बिल। और ये है बच्चों मधुमक्खी, और मधुमक्खी का आपको पता क्या होता है, मधुमक्खी का छत्ता। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि चिड़िया के घर को घोंसला कहते हैं, मकड़ी के घर को जाला कहते हैं, चूहे के घर को बिल कहते हैं, मधुमक्खी के घर को छत्ता कहते हैं, और मछली जो है वो नदी तालाब में रहती है। अब आपको ये सोचकर ये बताना है कि यहाँ जो हमारे को ये जीव दिख रहे हैं वो क्या पालतू हैं। अगर वो पालतू हैं तो आपको लिखना है कि इनमें पालतू कौन से हैं, पालतू जानवरों से हमें क्या मिलता है। ये बच्चों अगले वीडियो में जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तब हम ये सारणी भी पूरी करेंगे और ये क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। जीव जंतु जिन्हें हम पालते हैं वे पालतू जानवर कहलाते हैं। ये हमें खुशी देते हैं और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं। इन्हें हमारे प्यार व देखभाल की आवश्यकता होती है। हमें इन्हें पर्याप्त भोजन व साफ पानी देना चाहिए व समय समय पर पशु चिकित्सक को दिखाना चाहिए। सीता ने
घर के बाहर पेड़ पर देखा कि चिड़िया अपने घोंसले में आराम से बैठी थी। वह सोचने लगी कि हम अपनी जरूरतों के लिए घर बनाते हैं, उसी प्रकार जिस तरह चिड़िया अपनी जरूरतों के लिए घर बनाती हैं, उसी प्रकार जीव जंतु भी अपनी जरूरतों के अनुसार घर बनाते हैं। जैसे मधुमक्खी अपना छत्ता बनाती है, वैसे ही अन्य जीव भी, जैसे मधुमक्खी अपना छत्ता बनाती है, वैसे ही अन्य जीव भी अपने घर बनाते हैं। लेकिन कुछ जीव जंतु जैसे छिपकली, मक्खी, मच्छर आदि के स्थायी आवास नहीं होते हैं। जैसे हमारा तो एक परमानेंट घर होता है, छिपकली, मक्खी, मच्छर का स्थायी आवास नहीं होता है। हमें जीव जंतुओं की आवश्यकता अनुसार सहायता एवं रक्षा जरूर करनी चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ से हमने क्या सीखा? हमारे घर में घर के सदस्यों के अलावा जीव जंतु भी रहते हैं। इनमें से कुछ पालतू होते हैं, जैसे गायें, बकरी, भैंस, घोड़ा आदि। ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। कुछ जीव जंतु हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं, जैसे कॉकरोच, छिपकली, चूहा आदि। तो अब बच्चों, इस पाठ का क्या सार है? जीव जंतुओं का भी होता है अपना घर, जीव जंतुओं का भी होता है अपना घर, वो भी रहते हैं अपने घर में निभय निडर। निर्भय होता है बच्चों बिना डर का, निडर होता है बिना डर। तो जो जीव जंतु है वो भी अपने घर में बिना डरे निर्भय होकर रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, ज्वाइन बटन दबाकर ज्वाइन भी कर लेना। थैंक यू, हैव ए गुड डे।